अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखिए मेरी टूट गई है दौड़ी, पता नहीं इतना इसमें क्रशिंग की है ना, क्योंकि ज़मीन पे करने की आदत है ना, ये चीज़ों में करने की मुझे नहीं आदत है, लेकिन मजबूरी के तौर पे बंदा कर लेता है कि अब क्या करें, कोई नहीं बंदा इधर ज़मीन पर डायरेक्ट कर सकता। तो ये मैं आपको दिखाने लगी थी अपने आज प्योर डर्ट का जो मेरा टेक्सचर है, सीमेंट जिसको मैं प्योर सीमेंट है उसका टेक्सचर है। तो आप सब मुझसे पूछते हैं कि ये टेक्सचर कैसे बनाया, कैसे बनाया। तो मैंने सोचा मैं आज आपको बता ही दूं, क्योंकि देखिए मेरा सीमेंट जो था फ्रेश सीमेंट जिससे मैंने टेक्सचर अपना प्योर डर्ट का बनाया वो जम गया, तो उसको मैंने अब यूँ बाहर निकाला है। तो यही टेक्सचर जो है ना, इसको मैंने क्रश करके अपना प्योर डर्ट का टेक्सचर रेडी किया है, ठीक है, जो आप सबका फेवरेट है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ अब क्लोजअप करके, ये देखें ये जमा हुआ सीमेंट, ठीक है। तो मैं आप एक थंबनेल ले लूँ इसके बाद। तो ये प्योर डर्ट है जिसको मैं आपको भी क्रश करके दिखाऊंगी। अब ये ज़मीन इसके सेंटर में ना कोई चीज़ रख लेते हैं ताकि हम अपना काम जो है मुकम्मल कर सके। चलो जी, ये इतना क्या कहते हैं सीमेंट जो है आप लोग फेंक देते हो कि भाई जम गया तो सीमेंट फेंक दो, फायदा ही नहीं सीमेंट का अब तो। लेकिन नहीं, जमे हुए सीमेंट से जितना अच्छा टेक्सचर बनता है ना, वो शायद ही कोई और टेक्सचर से बनता हो, ठीक है। तो मैं आपको किसी भी जो आप चीज़ को वेस्टेज समझते हो कि वेस्ट है, वही चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। तो ये देखिए भाई जान नहीं छोड़ा। तो ये मैंने सारा क्रश कर लेना और फिर इस टेक्सचर को मैंने अपने प्योर डर्ट के टेक्सचर में ऐड कर देना, जो मेरा प्योर डर्ट का टेक्सचर है, क्योंकि ये प्योर सीमेंट का ही बना है वो, मगर वो रीयूज कर करके ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट एक्चुअल है वो प्योर डर्टी। मैं इसको गीला गीला क्रश कर रही हूँ कि मैं इसको ड्राई होने का अगर वेट किया तो ये थोड़ा मे बी हार्ड ओवर हो जाए। अभी ये काबिल क्रश है, काबिल करने क्रश करने के काबिल है, सही है। तो ये क्रश कर लूँगी मैं और फिर इसको मैं सिफ्ट कर लूँगी। तो मैं सिफ्टर लेकर आती हूँ, इसी के साथ मैं सिफ्ट कर लेती हूँ इसको। फ्रेश सीमेंट सही है, ये प्योर डर्ट का टेक्सचर रेडी है। तो ऐसे ही मैंने अपना टेक्सचर बनाया। अब मुझसे कोई पूछे ना कि ये प्योर डर्ट का टेक्सचर, प्योर डर्ट का टेक्सचर है ये प्योर सीमेंट वाला, और सॉफ्ट डर्ट का टेक्सचर है जो मैंने लिक्विड से बनाया हुआ है। तो वो वाला टेक्सचर मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब मेरा फ्रेश सीमेंट जो है वो आ जाएगा, तो वो आ जाए उसके बाद मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बना के दिखा दूँगी। जस्ट उस सीमेंट की वजह से मेरा जो टेक्सचर है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो चले क्रश कर लूँ अच्छे से सारा, फिर मैं आपको सारा क्रश करने के बाद दिखाती हूँ, सही है। तो
लेकिन कोई इतनी मेहनत करेगा नहीं कि भाई इतना सीमेंट हम पीसे, इतनी मेहनत कैसे बेहतर हम फ्रेश सीमेंट ले। लेकिन फ्रेश सीमेंट से पता क्या होगा, आप उसको कम पानी में बनाओगे ना तो वो सही रहेगा, ज़्यादा पानी में बनाए वो हार्ड हो जाएगा और हाथ आपके अलग ख़राब होंगे उसके, क्योंकि इतना तेज़ है ना ये सीमेंट कि आपके हाथ ख़राब कर देता है। तो जब री यूज सीमेंट का आप टेक्सचर बनाते हो ना, वो आपके हाथों को इतना इफेक्ट नहीं करता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सही है। तो ये मैं सारा क्रश कर लूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। ये वही सीमेंट है जो मैंने आपको एक बार क्रश करके दिखाया था, उसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल में भी मौजूद है, तब भी वो हल्का सा जम गया था, मैंने इसको क्रश करके सारा दिखाया था। और ये देखिए अभी भी उस पर इतनी सख्ती थी कि बारिश के पानी जाने से और हार्ड हो गया, देख लें। ये देखें इसकी शक्ति, देख ले बहुत हार्ड है। तो मैं ये क्रश करके सारा आपको दिखाती हूँ। ना यकीन करें इसके अंदर पीसने से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही हो रही है, मुझे ज़मीन के ऊपर क्रश करना पसंद है लेकिन मना किया हुआ है ज़मीन पे क्रश करने से कुछ भी। मैंने काफ़ी हद तक क्रश कर लिया है, तो मैंने तो सोचा मैं आपको एक पीस क्रश करके पूरा दिखाऊं, कि जो ये है ना ये गीला ना अभी, तो इसको क्रश करना थोड़ा सा रहेगा। मैं जस्ट इसको चूरा कर रही हूँ, बाकी जो है ना
आराम से कर लूँगी, आपको दिखा दूँ। मुझे आज वीडियो के एंड पे ना बताना है अपने चैनल को लेकर, मतलब चैनल को मोनेटाइजेशन के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायर होता है मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपके चैनल की। तो आपने ना वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों को जिनको नहीं इस चीज़ के बारे में नॉलेज, तो मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बता देती हूँ, ठीक है, जो मुझे अब तक फेस करना पड़ा है। और अगर सेम प्रॉब्लम किसी के साथ ऐसी हो तो वो भी बताए कि हाँ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो उसको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अब ये करना है तो अब ये करना है, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, और फिर आपको जो जो आपकी सवाल होंगे इससे रिलेटेड, काफ़ी लोगों ने पूछा इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचा कि मैं आपको एक बंदे को ज़रूर तफसील से बताऊं, मैं एक वीडियो ही बनाकर उसके ऊपर सारे जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब दे देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ये सारा क्रश कर लूँ, इसके बाद वो वीडियो जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनिए, मैंने अपना जितना भी प्योर डर्ट का टेक्सचर था क्रश कर लिया, अभी मैंने इसको मुकम्मल तौर पे क्या कहते हैं पाउडर नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत थक गई इसको क्रश करके। तो मैं ये इसको मेरे ख्याल से अभी ऐसे ही छोड़ के चल जाऊँगी, लेकिन मुझे वीडियो के एंड के एंड पे बताना था कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कई इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने पूछा था कि जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो क्या पे आ जाती है मोनेटाइज होने के बाद। तो देखिए, जब मोनेटाइज चैनल होता है ना तो फ़ौरन से पे नहीं आती, ठीक है, फ़ौरन से पे नहीं आती। ये आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कितने अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपकी वीडियो जो है 1000+ है, यानी 2000+ है, 3000+ है, 4000+ है, या 1000+ है, ठीक है, इतने ज़्यादा व्यूज़ अगर आपकी वीडियो जो है क्या कहते हैं वीडियो पे आपकी व्यूज़ आ रहे हैं इतने ज़्यादा, तभी जाके आपको यूट्यूब जो है ना हर व्यूज़ पर क्या कहते हैं जितने टोटल व्यूज़ होते हैं उन पर आपको पे करती है, एक वीडियो के हिसाब से बता रही हूँ। और ये कितने वो आपको पैसे पे करेगी ये एग्जैक्ट नहीं पता होता, यूट्यूब कभी अच्छे हैं तो आपको क्या कहते हैं ये अच्छी बनती है आपकी, अगर नहीं तो नहीं बनती है। लेकिन ये तो चलो था ना व्यूज़ की बात कर रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि मोनेटाइजेशन करने ऑन होने के बाद आपको क्या करना होता है। मोनेटाइजेशन ऑन के बाद आपको $10 करने होते हैं पूरे मुकम्मल, और जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको पिन के लिए वेरीफाई करना होता है। पिन वो होती है जिसके ज़रिए आप अपनी जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर आप वो कोड डालते हो, जो एक सीक्रेट कोड आपको यूट्यूब जो अपनी तरफ से निकाला पाता है आपको वो आपको भेजती है, उसमें आपका कोड होता है 6 डिजिट का, मेरे ख्याल से कोड होता है वो आपको डालना होता है अपने बैंक अकाउंट के साथ। तो फिर आपकी जो भी मोनेटाइजेशन क्या कहते हैं इनकम आने का जो एक ज़रिया होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जब $10 आप करने के बाद पूरे होने के बाद आप जब अप्लाई कर देते हो पिन के लिए, तो आपको मैक्सिमम 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपका एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आपने डाला हुआ है वो फॉर्म में, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर या 1 वीक के अंदर अंदर तक पिन आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फॉर्म नहीं सही से एड्रेस जो है वेरीफाई हुआ हुआ, तो आपको मे बी 1 महीने के अंदर तक पिन ना आए, आपको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है। और अगर दूसरे महीने तक भी ना आए, फिर तीसरी बार और चौथी बार रीअप्लाई करने के बाद मैनुअली आपको क्या कहते हैं सब वेरीफाई करके आपको आपके चैनल की जो इनकम है आपको मिल सकती है। लेकिन इनकम भी तभी आपको मिलेगी जब आपके $100 हो जाएंगे,
और जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपकी पिन बैंक में जाती है, पिन कह रही हूँ, इनकम बैंक में जाती है, वरना नहीं जाती, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए पहले 4000 वॉचर्स की ज़रूरत होती है और साथ में 1000 सब्सक्राइबर की। ये दोनों रिक्वायर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है जो भी है $10 जमा करने की। उसके बाद $10 जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको पिन के लिए वेरीफाई करना पड़ता है, और जब पिन के लिए अप्लाई कर लेते हो तो पिन अप्लाई करने के बाद जब आपको एडिसन की तरफ से जब आपको पिन मौसूल हो जाती है घर पे, तब आपको वो पिन का कोड जो है वो डालना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट के साथ, और फिर आपकी जो इनकम आने के रिसोर्सेज हैं वो ओपन हो जाते हैं जो भी है, ठीक है। और ये व्यूज़ नहीं है, ये नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो आपको इनकम आ जाएगी, या आपके जो पिछले व्यूज़ जमा हुए हैं जितने भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी आपके व्यूज़ जमा है, तो आपको फ़ौरन से मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको वो पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी मेहनत जो असल मेहनत आपकी मोनेटाइजेशन होने के बाद ही होती है, कि आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हुई है फिर आप नए सिरे से व्यूज़ बनाते हो, नए सिरे से इनकम जो बनाने के लिए वीडियोस अच्छी अच्छी बनाते हो, तब आपके व्यूज़ आएंगे तो आपको मिल जाएगी वो पे, मसलन यूट्यूब की तरफ से आपको पे करता रहेगा अच्छी जो भी पेमेंट है, या डॉलर्स की सूरत में या सेंट्स की सूरत में। तो ये किसी भी आप जिस बंदे से पूछ लें वो आपको यही बताएगा कि आपकी रकम जो है ना फटाफट से नहीं आपको मिल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और मेरी जो है पिन अभी तक मुझे मौसूल ही हुई है, क्योंकि मेरा एड्रेस जो था वो सही नहीं, मेरे हाथ से पुराना एड्रेस डाल दिया मैंने अपना, तो मुझे अब तक अपनी पिन नहीं मौसूल हुई है। ये दूसरा महीना लग गया जब से मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है, और आजकल यूट्यूब का जो रेवेन्यू डाटा है वो भी ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या मसला, यूट्यूब पे नहीं कर रहा इतनी, ठीक है। तो ये है भाई सारा प्रोसीजर। और कलर्स ASMR जिम आपने भी पूछा था, और काफ़ी ASMR जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर ज़रूर देना चाहूँगी जो जितनी मुझे नॉलेज है इस बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब जी ये सारा जो टेक्सचर है इसको मैं ऐसे छोड़ के चल जाऊँगी ज़मीन पे ये, ताकि ड्राई हो जाए अच्छे से। उसके बाद कल सिफ्ट करके पाउडर करके मैं अपना टेक्सचर रेडी कर लूँगी प्योर डर्ट का, और इसको मैं अपने जो प्योर डर्ट का टेक्सचर है ना इसको अलग से रेडी करके आपको दिखाऊँगी, क्रम्बल करके अपने जो पहले वाला टेक्सचर उसमें नहीं भी ऐड करूँगी, उसको बाद उसमें बाद में ऐड करूँगी जब इसके अंदर से थोड़ी बहुत सख्ती भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए यही था मेरा ट्यूटोरियल, और आप लोगों के साथ बहाना था जस्ट आपके साथ ये क्लियर करने के लिए जो मुझसे ASMR जो है पूछ रही थी, क्या आप बताएं क्या तरीका होता है, क्या सब कुछ होता है मोनेटाइजेशन ऑन के बाद। तो जस्ट ये क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कोई चीज़ का एक चाहिए था, मैं चाहती थी कि मैं जस्ट आपके साथ बातें करती रहूँ, और मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ा सा एक प्योर डर्ट का जो ट्यूटोरियल वो भी शेयर कर दूँ लगे हाथ, और आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आफ्टर मोनेटाइजेशन वो भी आपके साथ थोड़ी शेयर कर दूँ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, उसके अभी तक 100 मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हो रहे हैं उस चैनल के, जबकि मेरे इस चैनल के माशाल्लाह से 1900 जो है सब्सक्राइबर है। लेकिन खैर सबकी मर्ज़ी अपनी अपनी, कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई नहीं कह सकता सब्सक्राइब करने को, और ना ही कोई ज़बरदस्ती किसी से सब्सक्राइब करवा सकता है, आपकी चॉइस है, आपको पसंद है नहीं पसंद तो आपकी मर्ज़ी। एनीवेज और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बस यही मुझे कहना था, बजाने शुरू हो गई हैं तो मैं वीडियो एंड करती हूँ, और मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, और 1900 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। और यकीन करें बहुत खुशी हुई है रात को जब मैंने अपने देखे 1900 सब्सक्राइबर,
तो बस जल्दी से 2K करवा दें, और 2K की जो रेडी वीडियोस हैं वो तभी रेडी हो सकेंगी जब मौसम जो चेंज हो जाएगा और धूप सही से निकल आएगी, क्योंकि अभी तक धूप नहीं सही से निकल पा रही है। ठीक है, तो बहुत मैंने बोल दिया, अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।